वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पांचों पुत्रों में से किसी को भी गुरुगद्दी ना दी, बल्कि अपने पोते हर राय जी को सिखों का सातवां गुरु बनाया। आखिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। गुरु हर राय जी छठे गुरु हर गोबिंद साहिब जी के पोते और बाबा गुरदित्ता जी और माता निहाल कौर जी के छोटे पुत्र थे। बालक हर राय जी के जन्म के समय उनके दादा गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने उन्हें गोद में लेकर तब वचन किया कि यह बालक खुद ही हरि प्रभु का रूप है, इसलिए इसका नाम हर राय रखा जाए और ये बालक इस संसार में धरती का भार कम करने आया है। जब बालक हर राय जी 4 साल के हुए, तब उनके पिता बाबा गुरदित्ता जी ज्योति जोत समा गए। बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर आ गई। उन्होंने बालक को कभी भी उनके पिता की कमी महसूस ना होने दी। बालक को वे हमेशा अपनी देख रेख में रखते। उनकी पढ़ाई लिखाई, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी खुद गुरु हरगोबिंद साहिब जी करवाया करते थे। समय समय पर ज्ञान, वैराग्य और सच की चर्चा भी किया करते। बालक हर राय जी भी सेवा से कभी पीछे ना हटते। बालक हर राय जी स्वभाव से बहुत कोमल थे, यह बात एक साखी से सिद्ध होती है। जब एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी बालक हर राय जी के साथ अपने बाग में सैर कर रहे थे, एक बेमौसमी फूल को खिला देखकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी बहुत खुश हुए। सैर से लौटते समय जब उन्होंने वह फूल डाली पर ना देखा, तो माली ने बताया कि बालक हर राय जी के कलियों वाले चोले से अटक कर वह फूल टूट गया था। गुरु जी तब बालक हर राय जी को बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, अगर चोला बड़ा पहना हो तो संभल कर चलना चाहिए। गुरु जी के कहने का मतलब था, यदि कुछ किसी को प्राप्ति हो जाए तो उसे प्राप्त करके विनम्र होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए। गुरु जी के मुख से निकले उन अनमोल वचनों को बालक हर राय जी ने सारी उम्र अपने मन में बसाए रखा। इतिहास में दर्ज है कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपना आखिरी समय निकट आता देखकर अपने 14 वर्षीय पोते हर राय जी को सातवां गुरु बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कुछ खास सिखों और मसंदों को सूचना भेजकर पहले से ही दरबार में बुला लिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भरी संगत में 5 पैसे और नारियल बालक हर राय जी के आगे रखकर माथा टेका। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सारी संगत को संबोधित करते हुए कहा कि अब से गुरु हर राय जी को मेरा ही रूप समझना, गुरु रूप नहीं बल्कि गुरु ज्योत है। आज से गुरु की ज्योत इनमें समा चुकी है। गुरुगद्दी पर विराजमान होते ही सातवें गुरु हर राय जी ने गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी से वचन किया कि आपने मुझे गुरुगद्दी की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आप मुझे बताएं कि अगर गुरु नानक देव जी के घर पर कोई हमला करे तब हमारे लिए क्या हुक्म है। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उत्तर दिया कि पहली बात, आप पर भविष्य में कोई हमला नहीं करेगा। अगर कोई हमला करने की गुस्ताखी करेगा तो वे रास्ते में ही मारा जाएगा, आप तक पहुंच नहीं सकेगा। आपने अपना सारा जीवन सरबत के भले का काम पर मुख रखकर सेवा करनी है। यहाँ पर एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 5 पुत्रों के होते हुए भी गुरुगद्दी उन्होंने अपने पोते को क्यों दी। इसका कारण यह है कि बाबा गुरदत्ता जी उनके सबसे बड़े पुत्र थे। जो गुण गुरु बनने के लिए जरूरी थे वे सभी गुण उनमें विद्यमान थे, पर बाबा गुरदित्ता जी की अकाल मृत्यु के कारण छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा गुरदित्ता जी के दोनों पुत्र यानी बाबा धीरमल और बाबा हर राय जी में से किसी को गुरुगद्दी देनी थी। परंतु बाबा धीरमल बचपन से ही बहुत चंचल और लालची स्वभाव के थे। वे बाबा गुरदित्ता जी के बड़े पुत्र होने के नाते गुरुगद्दी पर अपना हक जतलाने लगे, पर उन्हें अपने दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी से गद्दी मिलने की बिल्कुल आस नहीं थी। इसलिए बाबा धीरमल ने हुकूमत के जोर पर गुरुगद्दी हासिल करनी चाही।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मुगल बादशाह शाहजहां से भी जा मिले। जब ये सारी बातें गुरु हरगोबिंद साहिब जी को पता चली, तब उन्होंने अपना मन बना लिया कि गुरुगद्दी बालक हर राय जी को ही मिलनी चाहिए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बाकी चारों पुत्रों ने प्रभु की रजा को मानते हुए गुरु हर राय जी को अगला गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु हर राय जी गुरु गद्दी पर बैठते ही सिक्खी का प्रचार करने लगे। उन्होंने 9 लाख में एक बाग खरीदा जिसमें कई तरह के फूल व जड़ी बूटियां उगाया करते। साथ ही एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनवाया जिसमें वे बीमार और जख्मी जीवों की सेवा संभाल करते। गुरु जी ने एक बहुत बड़ा दवाखाना बनवाया जिसमें वे बिना किसी भेदभाव के सभी रोगियों का मुफ्त इलाज किया करते थे। उनके पास ऐसी दवाइयां उपलब्ध होती थी जो उनके अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती थी। गुरु हर राय जी ढेरों गुणों के स्वामी थे। कोमलता तो उनके रोम रोम में थी। वे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते। अगर कोई शत्रु भी उनके दरबार में आकर फरियाद करता तो उसके साथ भी वे नेक व्यवहार करते। एक बार शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह बहुत बीमार हो गया। काफी इलाज करवाने पर भी जब वे ठीक ना हुआ तो शाहजहां ने गुरुजी से मदद मांगी। तब गुरुजी ने अपने दवा खाने से उसका इलाज किया जिससे वह एकदम तंदुरुस्त हो गया। ठीक होने के कुछ दिनों बाद वह गुरुजी के पास कई सारी भेंटों के साथ शुक्रिया अदा करने आया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि छठे गुरु श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने सातवें गुरु हर राय जी को वचन किया था कि कोई भी शत्रु अगर आप पर हमला करने आएगा तो वे रास्ते में ही मारा जाएगा। ये वचन तब सही सिद्ध हुए जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु हर राय जी पर 3 बार हमला करने की कोशिश की थी, पर तीनों बार दुश्मन गुरु जी तक ना पहुँच सका और रास्ते में ही मारा गया। गुरु हर राय जी की लोकप्रियता दिन ब दिन इतनी बढ़ चुकी थी कि मुस्लिम फकीर भी उनके दर्शनों को आने लगे। कई अहंकारी बादशाह प्रजा पर जुल्म किया करते थे। गुरु हर राय जी उनको भी समझाया करते कि राजा होकर किसी को डराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु का नाम जपो और उसकी रजा में रहो। इस तरह गुरु ने अपने सारे जीवन में सारी दुनिया को प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठकर सारी दुनिया को जो संदेश दिए, वे हर इंसान को याद रखने और जीवन में धारण करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप गुरु हर राय जी की फुल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।